भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फिलहाल टेस्ट मैच जारी है। इसके बाद में जनवरी में भारतीय टीम वनडे सीरीज खेलेगी, जिसमें कुछ मोहम्मद शमी जैसे दिग्गज गेंदबाज को आराम दिया गया है। वही खबर ये भी सामने आई है कि आईपीएल में नीलामी के बाद जहां श्रीसंत से बैन हटने पर वे आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे, वही साउथ अफ्रीका खिलाफ वनडे सीरीज में भी उनका नाम शामिल होने जा रहा है। अब जैसे ही ये टेस्ट श्रृंखला समाप्त हो जाएगी, हमें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की टीम किस प्लेइंग 11 के साथ में उतरेगी। क्या इस टीम में श्रीसंत खेलेंगे या नहीं, ये तो हम आपको कुछ आने वाले अगले वीडियोस में ही बता पाएंगे। तब तक आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। बात करते हैं श्रीसंत की, तो कुछ घरेलू यानी कि आईपीएल में फिक्सिंग की वजह से श्रीसंत पर आजीवन क्रिकेट के खेल से बैन लगा था, जिसके बाद दोबारा तहकीकात के बाद उन पर से ये बैन हटा दिया गया। बैन हटते ही उन्हें आईपीएल में नीलामी में दोबारा खरीद लिया गया। अब अगले सीजन में आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए उन्होंने दोबारा से प्रैक्टिस चालू कर दी है। खबर ये सामने आई है कि वे साउथ अफ्रीका खिलाफ वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा रहेंगे, लेकिन अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो हमें ये टेस्ट श्रृंखला खत्म होने के बाद ही पता चलेगी। तब तक आप हमारे साथ में बने रहिए। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी मजेदार खबरों के लिए इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।